गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त भाई, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो कंटिन्यूसली बारिश, जैसे बादल बढ़े हुए हैं। लगभग हो चुके हैं 5 से 6 दिन लगातार बारिश वाले बादल है जब से मैं आया हूँ भाई। काफ़ी बढ़िया है भाई, धूप तो निकलती नहीं है तो मज़ा आता है काफ़ी घूमने में। बाकी आज ना भाई अपन को अपने घर के सारे काम निपटाने हैं। घर में ना कमेटी भी है। कमेटी पता है क्या होता है? जो लेडीज़ नहीं आती घर में किटी पार्टी करने, वो है। तो मम्मी ने बहुत सारी तैयारी कर रखी है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है घर के अंदर। सो पहले तो सफाई हो चुकी है पूरे घर की, मैं आपको बता दूँ। वो सुबह सुबह हो गई थी और उसके बाद तैयारी चल रही है सारी। ओहो, यहाँ पुदीना रखा है। मम्मा ये क्या है? आलू छोले, आलू छोले राज छिछौड़ी। और ये मेरा स्टीमर हुआ करता था, मेरे पास शॉप हुआ करती थी आगरा में, तो वहाँ पे स्टीमर यूज़ करता था मैं। मोमोज बनते थे बहुत, और पूरा फास्ट फूड का काउंटर हुआ करता था, तो वो वाला स्टीमर है। मामा ऊपर से ढूंढ के निकाला कैसे? इसका एक और होगा ना ऊपर का पार्ट, तीसरा भी होगा, तीन है। और बाकी क्या क्या बना रहे? मोमोज बनाया क्या? ओहो कोई नहीं, मोमोज भी बनाया। मोमोज है क्या बात है, दिखाना जरा हल्के से दिखा दो। तो क्या बनाया? वाह, मोमोज की स्टीमर की बेइज्जती कर दी यार, बिल्कुल यार। पावा जी वड़ा पाव बन रहा है, क्या बात है। मम्मी अगर वड़ा पाव बना रही है तो टेस्ट करने लायक होगा, बहुत तगड़ा होगा भाई, क्योंकि महाराष्ट्रीयन टच का होगा, काफी ज्यादा मस्त। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ, मम्मी ने बोला स्प्राइट लेके आया था, मोहितो बनना होगा शायद, है ना? देखा मैंने अंदाजा मार लिया था। और क्या लेके आना है? एक अनार और एक मोहितो, एक अनार और एक स्प्राइट बस। चलो भाई ले आते हैं। बाकी मनीत मम्मी की हेल्प कर रही है, मम्मी के साथ ही रहने वाली है। बाकी मैं आज सारे काम निपटाने वाला हूँ सारे। सो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए मम्मी का, और उसके बाद जाएंगे भाई बाकी अपन अपने काम करने के लिए। वैसे मनीत का ना एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं हम, मेकअप का, मेकअप प्रोडक्ट का। तो बेसिकली वो सारा जो है ना, उसका जो बेसिक सामान होगा उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा वो सब लेके आके देना है इसे, और उसके बाद इसको ऑनलाइन टाइप करवाना है ताकि ऑनलाइन डिलीवरी हो जाए, घर से ही सारा सामान चला जाया करेगा, काफी बढ़िया रहेगा भाई। घर से निकलते ही हवा खत्म हो चुकी है बिल्कुल टायर के अंदर भाई, और टायर फटते फटते बच गया। हाँ जुड़वा लो, कोई नहीं जुड़वा लो। हाँ 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 भाई, इसकी मशीन भी हुआ करती थी, लेकिन जब एक्सीडेंट में चलेगी ना उसके बाद वो मशीन हमने रेट्स में रख दी थी, क्योंकि सारा सामान गाड़ी से निकालना होता है। पर अभी क्या है, हवा थी नहीं भर रही हुई, टायर कट सकता था। पर ये अच्छा है, हमारे घर के पास ही पंचर वाले भैया थे, वॉशिंग वाले भैया थे, उन्होंने हवा भर दी टेक्निक के थ्रू। सो भाई समझ में नहीं आया, कल रात में तो हवा बिल्कुल ठीक थी, पर सुबह जैसे ही गाड़ी निकाली हवा बिल्कुल खत्म थी भाई। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है ना, हवा की मशीन मंगा लेते हैं दिल्ली से, क्योंकि आज ही शाम को ना चंचल भैया भी आने वाले हैं, तो रिट्स के अंदर से निकाल के ले आएंगे, बाकी इसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे तो बड़ी स्पीड में हवा निकल रही थी, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले हवा भराई है फिर निकल गई स्पीड में, पता नहीं क्या हुआ टायर के साथ। सो सुन सकते हो भाई, अभी भी हवा की आवाज़ आ रही है निकलते हुए। ओला ये रहा पंचर। चालीस कर दे रहे हो? सो 50 रुपये लगे भाई मेरे को पंचर जुड़वाने में, और सिर्फ हवा भरवाने के लिए मुझे लग गए थे 100 रुपये। चक्कर क्या होता है, मजबूरी का लोग फायदा उठा लेते हैं, पर लेकिन अपना काम भी बन रहा था भाई। अगर अपना काम नहीं बनता तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर मैं वहां से थोड़ा बहुत भी आगे चलता हवा भरवाने के चक्कर में तो टायर खराब हो सकता था, टायर कट सकता था, बिल्कुल जीरो हवा थी तो नुकसान ज्यादा हो जाता। टायर भरना पड़ता कम से कम 3,000-3,500 का टायर तो आते ही आता गाड़ी का, और हवा भरवाना सस्ती पड़ती उससे, तो 100 रुपये की हवा भरवाना बेस्ट था। बाकी देखने की बात थी, हवा भर सकते थे पर 100 रुपये उन्होंने ले ली सिर्फ हवा वहाँ के। तो अनार भी ले लिए भाई, बस स्प्राइट लेनी है और फिर घर देके हम फ्री हो जाएंगे भाई, बाकी फिर हम आगे निकल सकते हैं अपने कामों के लिए। सोया 1 लीटर है, सोया 5 लीटर है, 20 का सोया 1 लीटर, सोया 5 लीटर। सो ये और चीज़ें मंगाई थी मम्मी ने, स्प्राइट मंगाई थी और एक मनीत ने नारियल का तेल मंगाया था भाई। सो वैसे तो ये नहाई हुई है लेकिन हालत इसकी ख़राब हो गई है काम करते करते। कोई दिक्कत नहीं है, ले तेरा कोकोनट ऑयल, ये 2 नारियल, सॉरी नारियल कह रहा हूँ, 2 अनार, हाँ पोमीग्रेनेट, और ये स्प्राइट, ये लो भाई
जाओ। मैं जा रहा हूँ बाकी काम करने। ठीक है, सिर्फ यहाँ से 15 मिनट दूर है। अच्छा, आपको 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हर्ष के घर भी तो जाना है। सो मनीत को सामान देके मैं पहुंच चुका हूँ भाई शाह मार्केट। वैसे तो काफ़ी दूर है घर से, लेकिन मोबाइल में ना वीडियो रेंडर हो रही थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी अभी चलते हैं यहाँ पे, मुझे लेना एक चार्जर, क्योंकि अपना एक चार्जर इस ट्रिप पे लास्ट ट्रिप पे ख़राब हो गया था। तो जो नई ट्रिप पे जाएँ वहाँ पे चार्जिंग भी इशू ना आए। हमारे पास बैटरी बैकअप भी 3-3 है, तो चार्ज करने में चाहिए भी होगा भाई सामान। और गोप्रो भी तो है, गोप्रो का मेमोरी कार्ड होता है ना, वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। इसका मेमोरी कार्ड जो होता है वो फास्ट ट्रांसफर वाला होता है, तो वो मेमोरी कार्ड इजीली मिलता नहीं है, वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। बाकी अपने को ओरिजिनल चार्जर्स मिल चुके हैं भाई सैमसंग के, और वॉच का कवर लगवा रहा था वो भी लग जाएगा आराम से, कवर नहीं लेंस लगवा रहा था ऊपर। सो अपन को कार्ड भी मिल गया और जो चाहिए था वही मिला है भाई। मुझे V30 चाहिए था और A2 चाहिए था, भैया ने दिलवा दिया, थैंक यू भाई जी। सो काम बन गया अपना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। और पता है क्या, इससे जब मैं 4K रिकॉर्ड करता था ना, और जो पुराना कार्ड था जब उसमें ट्रांसफर होता था बहुत स्लो होता था, वो A1 था और V30 नहीं था, तो इस वजह से बहुत स्लो ट्रांसफर होता था और अटक जाती थी फाइल। कई बार फाइल बनती भी नहीं थी और पहुँचती भी नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत आती थी भाई। पर अब ऐसा नहीं होगा भाई, अब आराम से फाइल रिकॉर्ड भी हो जाएगी और फिर सेव भी हो जाएगी आराम से। चलो भाई अपना सारा काम बन चुका है, चलते हैं अब घर की तरफ भाई। और बाकी हर्ष के पास भी जाना होगा और मनीत को भी लेके आना था वैसे उसका काम करने के लिए, लेकिन मनीत कह रही है कि आज मुझे 6 बज जाएंगे, जब तक किट्टी पार्टी खत्म होगी तो शायद काम करने में फिर दिक्कत आए, क्योंकि मार्केट भी बंद हो जाती है लगभग, जहाँ से भी प्रिंटिंग करानी है और रॉ मटेरियल लेना है, इसलिए फिर कल के लिए देखेंगे बाकी काम। हो सकता है आज या कल उसका प्रोडक्ट कम्प्लीट हो जाए रॉ मटेरियल का, और इस हफ्ते के अंदर ब्रांड लॉन्च भी कर दें आराम से भाई। सो भाई यहाँ पे मनीत हमारे पास आ चुकी है भाई, मनीत को घर से पिक कर लिया। वैसे तो मनीत कह रही थी घर आ जाओ, घर में बहुत सारी आंटी थी, मुझे शायद फील होता है बहुत उनके साथ। आंटी चली गई थी बट बहुत सारा सामान था, राज कचौड़ी, और मुझे लगा शायद आंटी होंगी, मैं इसकी वजह से गया ही नहीं यार। मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी जब मैं आंटी को डाल के दे रही थी ना तब भी, बट हाँ अभी थोड़ा सा मैं व्लॉग की छुट्टी पे हूँ तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई भाई क्या क्या बना था। बल्कि से ब्लॉग करना चाहिए था घर पे, तो वो भी कंटेंट होता, दिख जाता घर पे क्या कर रही थी। आज भी कुछ ऐड करना चाहिए था बट फिर कुछ नहीं होता कभी फिर सही, क्योंकि हम अब तो वैसे भी जाते रहते हैं किट्टी विट्टी पे, तो और वैसे भी मम्मी करती हैं अब सारा प्लान, तो कभी होगी तो मम्मी हेड बन गई अपनी कॉलोनी किट्टी की, तो कभी दिखा देंगे। बाकी बस यही अर्शी के लिए मैं बोल रही थी कि आ जाओ अंदर, राज कचौड़ी बनी हुई है और वड़ा पाव भी आया हुआ है, फलूदा भी बना हुआ है साथ में, और ढोकला भी था भाई, मतलब चार चीजें बस। अब मुंह में पानी करवा रही है बस और कुछ नहीं है। बट मैं मिस कर रही थी लक्ष्मण के मोमोज, मेरा भैया आ चुका है यार, एक खिला दो प्लीज। चलो अब आज खिला देंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, बाकी हर्ष के पास जा रहे हैं, हर्ष पास में ही है कहीं सैलून में, तो वहाँ से पिक करते हैं उसे। और ये देखो फोन भी आ रहा है उसका, चलो अब बात कर लेते हैं उससे। यहाँ देखो भाई ये, हाँ तैयार हो रहा है भाई। अरे भाई, सो हर्ष को लेके जा रहे हैं भाई वापस घर की तरफ। आज बेसिकली हर्ष की ना असली हल्दी है भाई, बाकी कल भी एक हल्दी होगी, वो ओकेजन वाली हल्दी है, बाकी जो घर वाले करेंगे वो आज होगा, है ना हर्ष भाई? नहीं मैं बताता हूँ, कल घर वाली हल्दी। अच्छा कल घर वाली हल्दी है और परसों मेन हल्दी है, मतलब कल घर में रिचुअल चल जाएंगे। आज सुंदरकांड हो रहा है, उसमें क्या होता है बेसिकली? हनुमान जी की, अच्छा हनुमान जी की पूजा होती है, ठीक है भाई। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, मैं देखने जाने वाला हूँ, चलो भाई चलते हैं। लो भाई अपने साथ तो सरप्राइज हो गया भाई हमको भाई, मतलब बोल रहे थे रात के 1-1.5 बजे तक आएंगे चंचल भैया, या 2 भी बज जाएंगे और चंचल भैया घर पहुंच चुके हैं भाई। टोंडीमल आगरा आ गया भाई, चलो भाई पहले चलते हैं टोंडीमल से मिलने के लिए। हाँ क्या, हम बाहर बैठ के आराम से मोमोज खा रहे थे भाई, हम सोच रहे थे शायद अभी टाइम लगे उन्हें आने में, बाकी हर्ष के घर जाने की सोच ही रहे थे अंदर, बाकी उससे पहले पहले फोन आ गया भाई टोंडीमल घर आ गया, चलो घर आ जाओ। ये देखो झूठे लोग घर पहुंच चुके हैं और हमसे कह रहे हैं अभी हम पश्चिम बिहार हैं। पश्चिम बिहार का बोला कौन सा पश्चिम बिहार था वो? पश्चिम बिहार का बोला, पश्चिम बिहार बोला था, गोयला डेरी बोला था। तुम्हारे जब फोन आया था तो हम निकल गए थे, तब सरप्राइज सरप्राइज। ये कौन सा सरप्राइज होता है, हमें पता ही आना है, 1 घंटा पहले आ गए बस। 1 घंटा पहले आए हम, 1 बजे आने वाले थे। हद हो गई यार, 1 बजे हम स्वागत के तो खड़े रहते हैं यहाँ पे,
ओए देख क्या मत बोल करके देख रहे क्या हां जी ये भी साले थाईलैंड टोनी माल बैक टू आगरा ओहो लाइट देख के उसकी आंखें खुल जाती है मेरे को दो टोनी माल को भाई ये मेरे को अभी वो बिजी है देखने में नहीं मेरे को दो बोतल देख रहा हूं नीचे क्या गिरा है ये पकड़ो टोनी माल ट्रैवल करके अच्छा लगा आपको कार के अंदर हैं कार में बहुत अच्छा लगता है कार में तो सबसे अच्छा लगता है भाई नन्ने तो भाई पता है ये सारी जगह देख रहा है निरीक्षण कर रहा है पहले और अभी में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं काफी चेंजेस आ चुके हैं हाँ हाँ सोनी मेरी गुड मेरी मीटो अभी मम्मी को ना थोड़ी सी डांट भी पड़ी है चंचलिया से चक्कर क्या मम्मी ना एक्सपायरी सामान रखा हुआ था और उसे यूटिलाइज कर रही थी खाने में तो फिर दिक्कत आ सकती थी ना जीप पकड़ा है तेरा दिमाग सही जगह पे क्या बोलते झूठ ऐसे तो मैं बता हैक दिया हमने साथ जो चाहिए मैं कल ला दूंगा मेरे होने में ठिकाने के लिए सब खराब हो रहा है आपको अरे काची 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 दुआ बजा वगैरह कम काची 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 आप कौन मन क्या खाएगा खीरा मंगाए खीरा इसका सबसे फेवरेट खीरा है भाई ओहो इतना कैसे मुंह खोल के सो यहाँ पे किट्टी पार्टी का सारा सामान आ चुका है भाई खाने के लिए बाकी लोगों के लिए दिल्ली से पनीर मोमोज भी आए हैं और टोंडी बल तू क्या खाएगा घिया के कबाब वाह टोंडी बल का फेवरेट है भाई सबसे ज्यादा खीरा सबसे ज्यादा उसके जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था भाई वड़ा पाव बेस्ट होगा भाई वड़ा पाव मस्त है गन पाउडर कहाँ से मिला आपको इतना अच्छा या भी आया मेरे पास बनाया था क्या क्या बात है यार बहुत टेस्टी है मजा आ गया ऐसा लगा जनरली महाराष्ट्र में आया था मेरी गुड्डो खाएगी मेरी चोनी एक प्राणी को खिलाने लिए तीन तीन लोग लगे हुए भाई एक मैं भी हूँ भाई मेरे ना लगभग 1000-2000 रुपए तो ऐसे ही बच जाते हैं बाकी सब तो सलून जाते हैं मेकअप करवाने मेकअप नहीं तो क्या होता है फेशियल कराने यहाँ बढ़िया वाला कोरियन प्रोडक्ट फेशियल यूज किया जा रहा है मेरे फेस पे जिसका फेशियल लगभग 5-6 हज़ार के आसपास होता है और वो होता है मेरा फ्री भाई क्योंकि प्रोडक्ट मनी ले आती है और इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ इसलिए मैं भी आप लोगों को राय दूंगा कि जो बीवी लाए वो देख के लाए वो या तो ब्यूटिशन हो या फिर डाइटिशन हो कुछ तो फायदा मिले ये डॉक्टर हो या गंद निकल रहा है ये मुंह धोते नहीं है और मोरे मुझे बोल के लेटे कि मुंह में धो के आया हूं नहीं मुंह धो के तो आएगा ना कंडेंसिंग लोकल साबुन तो मारो साबुन पियर्स का फेस वॉश है मैं समझ नहीं उससे तो ना था वो जो बोरोप्लस का साबुन जिसे नहाते हैं बोरोप्लस का साबुन वहाँ यूज करते हैं फेस वॉश रखा हुआ है दो दो रखे हैं अरे वो आदत नहीं ना देसी है वो तो अच्छा है कई बार तो हमें वो जो नहीं साबुन होता कपड़े वाला धोने वाला उसी से पास में करके दिखाओ ये देखो इनके कितने सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको ओपन पोर्स ये इसी वजह से डार्क सर्कल्स ये दाने कपड़े धोने वाले साबुन के वैसे छोटे छोटे दाने कपड़े धोने वाले साबुन के वैसे Yes. ओहो बॉडी पे सोप यूज करते हैं मैं सोचता था वो गोरा कर देता जल्दी करते हैं और बॉडी क्रीम नाम की भी कोई चीज होती है वो यहाँ यूज करते हैं मॉइस्चराइजर होता है वो मुंह पे यूज करते हैं कितनी सारी चीजें होती है जो आप यूज ही नहीं करते मुझे पता क्या है पूरी दाती नहीं ना इसकी वजह से सामने पड़ी है सारी चीजें तो बताना तो ना ये यहाँ यूज करते हैं ये यहाँ यूज करते हैं सब बताया सब नहीं मुझे नहीं बताया झूठ वैसे तो फेस पे भी निखार नहीं आया होगा वो तो लगभग आएगा एक 24 घंटे के बाद पर तब तक सो जाते हैं लगभग 1-1.5 घंटा लग गया भाई फेस पे पैक लगवाते लगवाते अब जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है भाई वैसे एक बात बताऊँ ये तो पूरी कसरत ही थी और बाकी चलो एक बात तो अच्छी है हमें पार्लर नहीं जाना पड़ा और घर पे बैठे बैठे सारे काम हो गए भाई सोते हैं भाई मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ बाकी सब लोगों को तो अच्छा खासा खर्चा हुआ अपना पैसा बच गया भाई वीडियो को एंड करते हैं लाइक करके जरूर जाना चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना कुछ कमेंट करके जाना कल हर्ष की हल्दी है तो उसके लिए जल्दी उठना भी है भाई मिलते हैं कल बाय बाय।